अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है Xiaomi का Redmi A1 Plus जो कि पाकिस्तानी मार्केट में आज ही लॉन्च हो रहा है। और ये फोन Redmi की तरफ से एक एंट्री लेवल बजट डिवाइस है और इसकी टैगलाइन है पाकिस्तान का A1 Plus स्मार्टफोन, जो कि यकीनन Xiaomi की तरफ से एक बड़ा दावा है। लेकिन इन द एंड ये फैसला तो आप लोगों ने करना है और मुझे नीचे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ये दोस्तों, इस फोन को अनबॉक्स करने से पहले ही मैं इसकी प्राइस को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। आजकल के महंगाई के जमाने में लोगों की कुव्वत खरीद कम हो चुकी है, जबकि ये फोन 19,999 की प्राइस पर लॉन्च किया गया है। एक ही वेरिएंट है 2GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ। इस फोन में एंड्रॉइड गो एडिशन है, इस पर वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। और इस कम प्राइस के बावजूद भी Redmi A1 Plus के अंदर हमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, बड़ी बैटरी मिलती है और साथ में इसके डिजाइन का भी सुनने में आ रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग बनाया है। तो बुनियादी तौर पर ये एक मास मार्केट प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जिन्हें एक बेसिक सा फोन चाहिए जो कि रोजमर्रा की फोन एक्टिविटीज को सपोर्ट कर सके। तो अब चल के शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और यहाँ अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी प्राइस के हिसाब से बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर Redmi A1 Plus का हैंडसेट है, इसे एक सेकंड साइड पर रख के आगे बढ़ेंगे तो साथ में आती हैं फोन की चार्जिंग एक्सेसरीज। और यहाँ ये बात नोट करें कि इस फोन में माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, लेकिन क्योंकि ये एक एंट्री लेवल बजट डिवाइस है, आई डोंट रियली माइंड दैट। पाकिस्तानी मास मार्केट अब भी ज्यादातर माइक्रो USB ही इस्तेमाल करती है। फिर यहाँ चार्जिंग के लिए एक 10 वॉट की नॉन फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक है। अगेन, ये एक एंट्री लेवल बजट डिवाइस है तो कांट कंप्लेन टू मच। और आखिर में बॉक्स में कुछ यूजर मैनुअल्स और PTA का पैम्फलेट आता है। खैर, अब चल के डिवाइस को चेकआउट कर लेते हैं। और यहाँ सच पूछें तो ये फोन मेरी तवक्को से बेहतर निकला। अमूमन जब ऐसे एंट्री लेवल फोन्स को आप हाथ में उठाते हैं तो आपको शुरू से ही महसूस होता है कि वो एक सस्ता या फिर चीप फोन है, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। और इस फोन की बैक का टेक्सचर मुझे काफी पसंद आया। फोन है प्लास्टिक का, लेकिन यहाँ बैक पे ये लेदर जैसा पैटर्न बनाया गया है जो कि फोन्स में हमें बहुत ही कम दिखता है। फिर इस फोन की कर्व्ड बैक, ये फ्लैट एजेस, साथ में ये लाइट ब्लू कलर और मिनिमलिस्टिक सा कैमरा मॉड्यूल, ओवरऑल मुझे इस फोन का लुक काफी क्यूट लगा है। फिर ये भी ध्यान में रखें कि प्लास्टिक के फोन्स अमूमन ग्लास और मेटल के फोन से ज्यादा पायदार होते हैं, क्रैक्स और डेंट्स को बेहतर रेजिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ ये जरूर देख लें कि Redmi A1 Plus किसी किस्म के स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ नहीं आता, तो ये आपको अलग से खरीदना होगा। फिर इस लाइट ब्लू कलर के साथ साथ ये फोन लाइट ग्रीन और ब्लैक कलर में भी आता है। और अगर हम बात करें साइज डिमेंशंस की तो यहाँ थिकनेस को 9.1 mm रखा गया है जबकि वजन 192 ग्राम है। बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स पे आए तो राइट साइड पे फोन का पावर बटन और वॉल्यूम कीज हैं। ऊपर वाली तरफ एक सिंगल टॉप फायरिंग मोनो स्पीकर है। लेफ्ट साइड पे फोन की सिम ट्रे है जिसमें 2 सिम्स और 1 microSD कार्ड लगता है, जबकि नीचे है एक माइक, माइक्रो USB पोर्ट और एक हेडफोन जैक। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, ये फोन एक बैक माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। आप यहाँ इसकी स्पीड देख सकते हैं, बहुत तेज और स्नैपी तो नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल यूजेबल है। फिर यहाँ सेंसर से ही ऊपर लेफ्ट साइड पे आ जाए तो इस कैमरा मॉड्यूल में ड्यूअल कैमरा सेटअप है जहाँ 8 megapixel का एंट्री लेवल बेसिक सा मेन कैमरा है, साथ में एक QVGA डेप्थ सेंसर है क्योंकि आगे वाली तरफ सेल्फीज के लिए 5 megapixel का f2.2 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। फ्रंट और बैक कैमरास दोनों मैक्सिमम 1080p एट 30 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। अब ऐसे एंट्री लेवल डिवाइसेस के कैमरास अमूमन बहुत ही बेसिक क्वालिटी के होते हैं, तो इनका बहुत ही इनडेप्थ रिव्यू करने से बेहतर है कि मैं आप लोगों को कुछ सैंपल्स दिखा दूं। या स्क्रीन पे आपको कुछ सैंपल्स दिख रहे होंगे तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये सैंपल्स कैसे लग रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखें कि जब भी आप किसी फोन को एक लोअर प्राइस पॉइंट पे ले जाना चाहते हैं तो वहां कैमरा एक मेन फीचर है जिसके अंदर आपको कटौती दिखती है। डिस्प्ले की बात करें तो Redmi A1 Plus में 6.53 inches का IPS LCD डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन HD+ यानी कि 720p है। यहाँ पिक्सल डेंसिटी 269 ppi बनती है और डिस्प्ले के ऊपर एक ड्यूड्रॉप स्टाइल की नॉच है जिसमें फोन का वो 5 megapixel वाला सेल्फी शूटर रहता है। यहाँ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 81% है और डिस्प्ले की मैक्स ब्राइटनेस 400 nits बताई जा रही है। डिस्प्लेज में 6.5 inch की साइज दरमियानी साइज समझी जाती है। ये फोन ना ही बहुत ही बड़ा फैबलेट साइज फोन है और ना ही छोटा फोन है। एक एवरेज यूजर के लिए इस साइज का डिस्प्ले वीडियोस और मूवीज देखते हुए अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। लेकिन दोस्तों, इस रिव्यू की जिस चीज में सबसे ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट होगा वो है इस फोन की परफॉर्मेंस। जैसा कि आपको इंट्रो में बताया था, ये फोन एंड्रॉइड गो एडिशन के साथ आया है जो कि एंड्रॉइड 12 का ही लाइट या फिर डायट वर्जन कह लें। काफी सारी एंड्रॉइड 12 वाली फंक्शनैलिटी है लेकिन इंटरफेस के इफेक्ट्स को थोड़ा कम कर दिया गया है। और ये गो एडिशन बेसिकली कम पावर और कम रैम वाले फोन्स के लिए डिजाइंड है क्योंकि Redmi A1 Plus में MediaTek का Helio A22 चिपसेट है, साथ में पावर VR का GPU है, 2GB रैम है
और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है। अब ये हीलियो A22 MediaTek के एंट्री लेवल लाइनअप का हिस्सा है। 12 नैनोमीटर का चिपसेट है और इससे आप ज्यादा पावर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। Antutu में ये चिपसेट 85,000 से 90,000 के आसपास का स्कोर मैनेज करता है और कम पावर होने के बावजूद भी मैं 20,000 का प्राइस पॉइंट देखते हुए इस फोन से ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता। इस प्राइस में इस वक्त के ज्यादातर फोन्स में आपको इसी किस्म के प्रोसेसर्स दिखेंगे। दोस्तों वो दिन चले गए जब हम 20,000 वाले प्राइस पॉइंट पे MediaTek Helio G70 देखा करते थे। लेकिन आपने घबराना नहीं है क्योंकि ये फोन ज्यादातर बजट यूजर्स की डेली यूज एप्स हैंडल कर लेगा। तो अगर आपका ज्यादा यूसेज फोन कॉल्स, मैसेजिंग, व्हाट्सएप और ईमेल्स और फिर सोशल मीडिया एप्स का है तो इस फोन से आपका गुजारा हो जाएगा। और इस फोन के साथ मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भी देखी। आउट ऑफ द बॉक्स तो ये फोन थोड़ा सांस ले लेके सोच सोच के चल रहा था। इसकी परफॉर्मेंस बहुत स्नैपी नहीं थी लेकिन Redmi A1 Plus में रैम एक्सटेंडर की फंक्शनैलिटी भी मौजूद है जिससे आप आधे 1 या 2 GB तक रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जब इस फोन को इस्तेमाल करें तो इसकी रैम जरूर एक्सटेंड कर लें, बेशक आपको 2 GB स्टोरेज कैपेसिटी कुर्बान करनी पड़े क्योंकि फिर आप SD कार्ड लगा के और स्टोरेज कैपेसिटी इस फोन में डाल सकते हैं। लेकिन रैम एक्सटेंड करने से इसकी परफॉर्मेंस आपको थोड़ी स्नैपी महसूस होगी। लेकिन जहां इस फोन को किसी एक्सटेंशन या एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है वो है इसकी बैटरी साइज, क्योंकि दोस्तों यहां हमें 5,000 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है और ये फुल चार्ज के साथ ये फोन चलता ही चला जाएगा। ज्यादातर लोगों के लिए तो एक दिन बहुत आराम से निकलेगा, अगर आपका यूसेज लाइट हो तो 1.5 से 2 दिन भी निकल सकते हैं। और इसकी बड़ी वजह ये भी है कि इस फोन में 720p डिस्प्ले और लो पावर प्रोसेसर लगाया गया है। अमूमन ऐसे कॉम्बिनेशन के बैटरी लाइफ के ऊपर बहुत ही मुस्बत असरात होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है, सिर्फ 10 वॉट की चार्जिंग है, इस बैटरी को चार्ज करने में बहुत ही टाइम लगेगा। 4 से 5 घंटे तो कहीं नहीं गए, तो बेहतर होगा अगर आप इसे रात को सोते वक्त चार्ज पे लगा दें ताकि सुबह तक ये सही तरह चार्ज हो जाए। दिन में टॉप अप करने का इसका कोई सीन नहीं है। तो दोस्तों ये Redmi A1 Plus मुझे मार्केट का हाल देखते हुए तो एक अच्छा डिवाइस लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था, इस वक्त महंगाई की वजह से और फिर डॉलर अप्रिसिएशन की वजह से भी पाकिस्तानी मोबाइल फोन मार्केट बहुत ही ज्यादा मार खा रही है। अमूमन अक्टूबर और नवंबर में हम बहुत ज्यादा फोन लॉन्चेस देखते हैं, लेकिन इस बार कहानी डिफरेंट है। तो ऐसे में 20,000 का प्राइस पॉइंट देखते हुए और Xiaomi का ब्रांड नेम देखते हुए Redmi A1 Plus मुझे काफी डिसेंट डिवाइस लग रहा है। ये बात ध्यान में रखें कि जब भी फोन की प्राइसेस कम की जाती हैं तो अमूमन हम 2 चीजों में बड़ा कट देखते हैं, जैसे कि आपको पहले बताया, एक है कैमरा और दूसरा है फोन का प्रोसेसर। लेकिन Redmi A1 Plus ने दूसरी चीजों में कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफर की है, फिंगरप्रिंट सेंसर, बड़ी बैटरी, बड़ा डिस्प्ले, रैम एक्सटेंडर फंक्शनैलिटी और ये क्यूट सा डिजाइन। लेकिन आपको Redmi A1 Plus कैसा लगा मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। क्या आपको लगता है कि ये फोन 20,000 के प्राइस पॉइंट पे पाकिस्तानी मार्केट का एक A1 Plus स्मार्टफोन है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, मैं रीजनिंग जानना चाहता हूं क्योंकि मुझे तो कोई ऐसे रीजन नहीं दिखे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।